सामी साकार करें सपने अपने बजरंग बली की जय आज मंगलवार है और आपके बचे हुए साल को शुभ बनाने वाले शो जारी हैं। आज दूसरा दिन है बजरंग बली की बात होगी आज के दिन चूकना नहीं है बजरंग बली को प्रसन्न कर लेना है तो चलिए बजरंग बली का नाम लेकर शो शुरू करते हैं आज आपको पूर्णिमा वाले हनुमान जी के उपाय बताऊंगी अगली पूर्णिमा पर कीजिएगा और आप देखिएगा आपका बचा हुआ साल कितना अच्छा बीतेगा और आज संकट मोचक के सिंदूर वाले उपाय बताऊंगी ये साल किसी भी तरह से आपके लिए शुभ साबित होगा आज आपको बचे हुए आधे साल को कैसे शुभ बनाना है आपकी जिंदगी को कैसे सवारेंगे ये छह महीने ये बताने वाली हूँ वैसे तो आपको रोज ही बजरंग बली को याद करना चाहिए लेकिन अगर आपको अपना बचा हुआ आधा साल ठीक करना है तो बहुत जरूरी है आपके पास बजरंग बली की कृपा के साथ साथ पैसा भी हो मंगलवार के दिन बजरंग बली आपको माला माल बना सकते हैं आपको बस इस साल दस उपाय करने हैं जो बचे हुए साल में आपको धनवान बनाएंगे हनुमान चालीसा का पाठ सबसे सरल उपाय है बजरंग बली को प्रसन्न करने का हर रोज हर मंगलवार और शनिवार को चालीसा का पाठ करना चाहिए श्री राम मानस के सुंदर कांड का पाठ करने से हनुमान जी बहुत जल्दी शुभ फल प्रदान करते हैं हनुमान जी को हर मंगलवार या शनिवार सिंदूर और चमेली के तेल को अर्पित करना चाहिए सिंदूर बजरंग बली को बहुत प्रिय हैं और जो भक्त उन्हें सिंदूर अर्पित करते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। हर मंगलवार या शनिवार के दिन बजरंग बली को बना हुआ बनारसी पान चढ़ाना चाहिए बनारसी पत्ते का बना हुआ पान चढ़ाने से हनुमान जी की कृपा प्राप्त होती है रेगुलरली हनुमान जी को धूप अगरबत्ती लगाना चाहिए गेंदे के फूल से बना हार अर्पित करना चाहिए हनुमान जी को फोटो उनका फोटो घर में किसी पवित्र स्थान पर लगाएं। फोटो ऐसे लगाएं जिससे हनुमान जी दक्षिण दिशा की ओर देखते हुए दिखाई दें। हर रोज रात के समय हनुमान जी के सामने तेल का दीपक लगाना चाहिए इससे बहुत जल्दी इंसान का बुरा समय बदल जाता है धन संबंधित परेशानियां किसी भी रामायण या, पर, या राम मानस का पाठ करते हैं या इनके दोहे डेली पढ़ते हैं उन्हें हनुमान जी का विशेष स्नेह प्राप्त होता है श्री राम के मंत्रों का जाप करने वाले भक्त पर हनुमान जी अति प्रसन्न होते हैं और सदैव कृपा बनाए रखते हैं तो आपको अगली पूर्णिमा पर क्या उपाय करने हैं आज ही बता रही हूँ जिससे पूर्णिमा पर हनुमान जी को प्रसन्न करने से आपके सब संकट दूर हो जाएं। पूर्णिमा तिथि पर हनुमान जी को तिल का तेल मिले सिंदूर से चोला चढ़ाने से सारा डर बाधा मुसीबतों का अंत हो जाता है चोला चढ़ाते समय सुंदरकांड या हनुमान चालीसा का पाठ करें पूर्णिमा तिथि पर हनुमान जी को लाल या पीले फूल जैसे कमल गुलाब गेंदा सूरजमुखी चढ़ाने से सारे वैभव और सुख प्राप्त होते हैं मन चाही मुराद पूरी करने के लिए सिंदूर लगे एक नारियल पर मौली या कलेवा लपेट कर पूर्णिमा की रात हनुमान जी के चरणों में अर्पित करें नारियल को चढ़ाते समय श्री हनुमान चालीसा की इस चौपाई का पाठ मन ही मन करें नास रोग हरे सपीड़ा जो सुमरे हनुमत बलबीरा हनुमान जी को घिसे लाल चंदन में केसर मिलाकर लगाने से अशांति और कलह दूर हो जाते हैं शाम के वक्त हनुमान जी को लाल फूलों के साथ जनेऊ सुपारी अर्पित करें उनके सामने चमेली के तेल की पांच बातियों का दीपक जलाएं। पूर्णिमा तिथि पर हनुमान जी के साथ श्री राम जानकी की मूर्ति रखकर उपासना करें अब एस्ट्रो स्पेशल का वक्त आ गया है आपका बचा हुआ साल कैसे अच्छा बनेगा ये जानने के लिए दूसरी स्पेशल टिप जान लीजिए। पूरे हफ्ते जारी रहेगी। आज क्योंकि हनुमान जी की बात है आपको एक खास बात सीक्रेट उनके बारे में बताती हूं हनुमान जी का यश उनका फेम कब बड़ा जब वो इस तरफ टूवर्ड साउथ श्रीलंका गए वहां गए उन्हें अपनी ताकतों का अंदाजा हुआ उन्होंने वो पुल बनाया वहां पे जाकर उन्होंने लंका को जलाया सीता माता को वापस लाने के लिए इतना इम्पोर्टेंट रोल किया तो हनुमान जी की स्ट्रेंथ जो थी वो साउथ तरफ आकर बढ़ी अगर आपका घर साउथ फेसिंग है और आपको परेशानियां आ रही हैं, तो अपने मेन डोर पर छोटे से हनुमान जी का गदा लिया हुआ चित्र लगाइए वो साउथ की तरफ देखेंगे परेशानियां अपने आप निपटेंगी आपके यश को वो बढ़ाएंगे अगर आप अपना यश बढ़ाना चाहते हैं तो हनुमान जी का उड़ता हुआ चित्र अपने घर में साउथ डायरेक्शन में लड़ाइए आपकी भी फेम आपका भी यश फैलने लगेगा अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके घर में हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, तो संजीवनी जी संजीवनी बूटी लाते हुए हनुमान जी का चित्र अपने घर में नॉर्थ ईस्ट में लगाइए आपकी सारी की सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स गायब हो जाएंगी आपको हनुमान जी को कैसे प्रसन्न करना है कुछ अचूक उपाय बता रही हूं साल खत्म होने से पहले आपका भला जरूर होगा किसी भी मंगलवार को दोपहर में हनुमान जी की पूजा करें उन्हें का भोग लगाएं, पीपल के पत्तों पर चंदन या कुमकुम -कुम से श्री राम लिखें, इसके बाद इन पत्तों की माला बनाकर हनुमान जी को चढ़ा दीजिए हनुमान जी के सामने ओम रामाय नमः, श्री राम या सीताराम मंत्र का जाप करें हनुमान जी को लाल फूलों के साथ जनेऊ सुपारी चढ़नी चाहिए गाय के शुद्ध घी से बने पकवान का भोग हनुमान जी को कभी भी लगाया जा सकता है बजरंग बली को आकड़े के फूल चढ़ाने से भी काम में आ रही दिक्कत दूर हो जाती है चमेली के तेल का पांच बातियों वाला दीपक हनुमान जी के सामने जलाया करें हनुमान जी की मूर्ति पर लाल चंदन में केसर मिला कर इससे अशांति और घर के कलेश दूर होते हैं अभी आपको बहुत सी इंफॉर्मेशन देना बाकी है जी हाँ आपका बचा हुआ साल अच्छा करना है जो हुआ उसे भूल जाइए भविष्य को ठीक कीजिए आपने आने वाले साल को मंगलवार को कुछ खास उपाय कीजिए हनुमान जी किस्मत बदल देंगे मंगलवार के दिन राम मंदिर में जाएं हनुमान जी के मस्तक का सिंदूर दाहिने हाथ के अंगूठे से लेकर सीता माता के श्री रूप के चरणों में लगा दीजिए अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए प्रार्थना करें मंगलवार की ही सुबह स्नान करने के बाद बड़ के पेड़ का एक पत्ता तोड़े इसे साफ पानी से लें अब इस पत्ते को कुछ देर हनुमान जी के सामने रखें इसके बाद इस पर केसर से श्रीराम लिखें अब इस पत्ते को अपने पर्स में रख लें साल भर आपका पैसा हमेशा आपके पास रहेगा हनुमान जी की कृपा पाने के लिए मंगलवार के दिन व्रत करके शाम के समय बूंदी का प्रसाद बांटने से भी पैसों की तंगी दूर हो जाती है अब आपके बचे हुए साल को शुभ बनाने के लिए बहुत बहुत जरूरी जानकारी देने जा रही हूं। हनुमान जी को राशि अनुसार उपाय करके प्रसन्न करना है आपको हर सुख और मंगल मिलेगा खुशियों से जीवन भर जाएगा मेष राशि के लोग चार मंगलवार हनुमान मंदिर में जलेबी चढ़ाए वृक्ष राशि के लोग हनुमान जी के चित्र की सामने कपूर जलाकर आरती करें मिथुन राशि के लोग गरीब बच्चों में गेहूं का दान करें कर्क राशि के लोग हनुमान मंदिर में कलावा बंधवाए सिंह राशि के लोग हनुमान जी के मंदिर से प्राप्त मौली घर के मेन दरवाजे पर बांधे कन्या राशि के लोग हनुमान मंदिर में पीपल के पत्तों की माला चढ़ाए तुला राशि के लोग किसी सुहागन को लाल साड़ी भेंट करें वृश्चिक राशि के लोग भिखारी को गुड़ दान करें धनु राशि के लोग तीन मंगलवार पीपल के नीचे चमेली के तेल का दीपक जलाइए मकर राशि के लोग पूजा घर में लाल चंदन चढ़ाइए कुंभ राशि के लोग सात मंगलवार चिड़िया के लिए लाल मसूर रखिए और मीन राशि के लोग हनुमान मंदिर में अनार चढ़ाइए मंगलवार का दिन है और बजरंग बली के सिंदूर की बात ना हो अगर आपको बचे हुए साल को पूरी जिंदगी को अच्छा बनाने के लिए बदलना है तो आपको वो खास उपाय करने होंगे जी हाँ जो सिंदूर से जुड़े हों कौन से हैं वो उपाय ध्यान लीजिए मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में जाकर उन्हें सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित करें सिंदूर को रात में अपने हाथ में लेकर प्रार्थना करें मनोकामना कहें जो भी आपके मन में है और फिर आप वो हनुमान जी को सिंदूर अगले दिन सुबह अर्पित कर दीजिए ऐसा कर कर आपकी इच्छा जरूर पूरी हो जाएगी और हनुमान जी प्रसन्न होंगे आपकी सारी मनोकामना पूरी कर देंगे मंगलवार को हनुमान जी के चरणों का सिंदूर लेकर उसे सफेद कागज पर स्वास्तिक बनाएं। इस कागज को मोड़े नहीं हमेशा कागज को अपने पास रखें अपने वॉलेट में डाल दीजिए हर दिन इस कागज को प्रणाम कीजिए आपकी हर समस्या दूर होगी अच्छा अगर जॉब से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो उसका हल भी तुरंत हो जाएगा ऐसे में घर के मेन दरवाजे पर सरसों का तेल और सिंदूर का टीका लगाने से कोई भी बुरी शक्ति घर में प्रवेश नहीं करती है वास्तु दोष समाप्त होते हैं लक्ष्मी अपना स्थायी बसेरा कर लेती हैं और शनि के नजर दोष से भी रक्षा होती है शनि के दोषों से मुझे याद आया छुटकारा पाने के लिए सैटरडे वाले दिन हनुमान जी को चोला अर्पित करें हनुमान जी के दाएं पैर से टीका लेकर अपने माथे पर लगाइए साकार करें सपने अपने